नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की लगातार स्थिति जो चिंताजनक हो रही है उसकी। आपको बता दें कि आज कोरोना के 45 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में कोरोना से एक शख्स की मौत हो चुकी है। रत्नागिरी में एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से स्थिति और ज्यादा चिंताजनक होती चली गई है। 45 नए केसेस की हम बात कर रहे हैं और कुल मिलाकर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के 44 पीड़ित अब हो गए हैं। 3 नए केसेस आज ही सामने आए हैं। 3 और नए स्टूडेंट्स की बात सामने आ रही है जिन्हें क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। तो पूरे देश में आपको बता दें कि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 168 हो चुकी है। कल्याण में 3, मुंबई में 8, रायगढ़ में 1, पुणे में 8, वहीं ठाणे की हम बात करें तो वहां पर भी 1 केस मिला है, नागपुर में 4। इस तरह कुल मिलाकर 44 कोरोना पीड़ित पाए गए हैं पूरे महाराष्ट्र में। कुछ लोग अभी भी कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनका ये रवैया दूसरों को भी खतरे में डाल सकता है, जबकि कुछ लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मुंबई के एक परिवार ने कोरोना की वजह से शादी ही पोस्टपोन कर दी। होटल बंद है, बाजारों में सन्नाटा है, रेलवे स्टेशन सुनसान है। कोरोना को हराना है तो ये सब जरूरी है। आज हम आपको महाराष्ट्र के 2 बड़े शहर मुंबई और पुणे का हाल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी पहल दिखाते हैं। ये है मुंबई की गौड़ा फैमिली। इन्होंने कोरोना वायरस के चलते एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। गौड़ा फैमिली में गुरुवार यानी कल शादी होने वाली थी, जो अब टाल दी गई है। आप देख सकते हैं शादी का मंडप तैयार हो चुका था, रिश्तेदारों में कार्ड बांटे जा चुके थे, 1200 मेहमानों को न्योता भेजा जा चुका था। आज रात हल्दी पार्टी भी होनी थी, लेकिन अब सब कुछ टाल दिया गया है। ये गौड़ा परिवार मुंबई के विक्रोली में रहता है। कोरोना से सावधानी के चलते मुंबई फिल्म सिटी को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ सारी शूटिंग कैंसिल कर दी गई है। भारी मात्रा में जनसमुदाय इकट्ठा ना हो और कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव होना नहीं चाहिए, इसीलिए सभी प्रकार के इंडोर और आउटडोर शूटिंग फिलहाल पुढ़ील आदेश होने तक रुकवा दिए गए। कोरोना का कर्फ्यू सिर्फ मुंबई ही नहीं पुणे में भी लगा है। यहाँ होटल और रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस बीमारी को रोकने के लिए, जो उसका फैलाव है उस पर काबू पाने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, मॉल, सिनेमा थिएटर्स बंद कर दिए गए हैं 31 मार्च तक। उस पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से जंग जारी है, लेकिन एक दूसरे की मदद भी की जा रही है। मास्क बांटे जा रहे हैं और कोरोना से कैसे लड़ना है ये समझाया जा रहा है। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। मुंबई में अब आधी दुकानें ही खुलेंगी। दुकानों को ऑड इवन की तर्ज पर खोला जाएगा। सरकार की कोशिश है कि लोकल, बेस्ट और मेट्रो में भी यात्रियों की संख्या घटकर आधी ही रह जाए। हर ओर से सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह आ रही है, पर मुंबई कर कहां जाए। ये तस्वीर सुबह विरार से चर्चगेट आने वाली लोकल की है। हालांकि आम दिनों की जगह भीड़ कम हुई है, पर मुंबई में कोरोना का संक्रमण फैलाने के लिए ये भीड़ काफी है। हमने कई लोगों से भी बात किया, उनका यही कहना था कि भीड़ जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जो सबसे चिंताजनक की बात वो ये है कि विरार से आने वाली जो ट्रेनें हैं, या फिर कह लीजिए वेस्टर्न लाइन पे विरार से और सेंट्रल लाइन पे कल्याण कर्जत से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो अभी भी काफी भरी हुई आ रही हैं। कुछ कंपनियों को छोड़कर ज्यादातर कंपनियों ने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया है, इसलिए लोगों को मजबूरी में ऑफिस आना पड़ रहा है। क्या अभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं रेगुलरली ट्रेन से? कर रहा हूँ। अभी तक कंपनी ने कुछ डिक्लेयर किया नहीं, तो जाना पड़ेगा ट्रैवल के लिए। जिस तरह से लोकल में ट्रैवल हो रहा है, कोरोना बहुत तेजी से मुंबई को अपनी चपेट में ले सकता है। लोकल की सैनिटाइजर से साफ सफाई कोरोना से बचाने के लिए काफी नहीं है। हालांकि जहां तक संभव है लोग समझदारी दिखा रहे हैं। सभी बड़े मंदिर बंद हो गए हैं। जुहू बीच को बंद कर दिया गया है। जुहू बीच को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है।
आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जू बीच पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लाइफ गार्ड्स के जो लोग यहाँ पर मौजूद है, देखिए सीटी मार मार के लोगों को बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। ये जो स्टार्टिंग एंट्रेंस है यहाँ पर जू बीच का, वहीं पर रस्सियों और बैरिकेडिंग के सहारे इस जू बीच को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सतर्कता का एक और उदाहरण मुंबई में देखने को मिला। जर्मनी से मुंबई हवाई अड्डे पर उतरे चार छात्र गरीब रथ ट्रेन से बड़ौदा अपने घर जा रहे थे। उनके हाथ पर लगे होम क्वारंटीन की मुहर पर दूसरे यात्रियों की नजर पड़ी और उन्होंने टीटी को खबर कर दी। चारों छात्रों को पालघर पर उतारा गया और निजी वाहन से घर भेज दिया गया। उस ट्रेन में चार पैसेंजर्स जिनके हाथ में ये स्टैंप थी होम क्वारंटीन की, वो ट्रैवल करते हुए पाए गए। हमारा जो अलर्ट रनिंग स्टाफ है उसने और को पैसेंजर्स की उनकी अलर्टनेस की वजह से इनके बारे में पता चला और हमने उनको तुरंत पालघर में, ट्रेन चल रही पालघर में डिबोर्ड करके उनको स्टेट मेडिकल अथॉरिटीज़ को हमने उनको हैंड ओवर कर दिया। ये एक गंभीर मामला है क्योंकि ना केवल वो जो एडवाइजरी या जो उनको प्रिकॉशंस बरतने को कहा गया वो बरत नहीं रहे, बल्कि जो और सहयात्री हैं उनकी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है। कोरोना का भयानक असर तीसरे हफ्ते से दिखाई देता है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि महाराष्ट्र के लिए अगले दो हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण है। बुधवार को मुंबई में 68 साल की एक महिला पॉजिटिव पाई गई है, जबकि पुणे में नीदरलैंड से वाया दुबई होते हुए लौटी 32 साल की एक महिला पॉजिटिव मिली है। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से कमलेश सुतार, सौरभ वक्तानिया और दिव्येश सिंह के साथ विद्या आज। बीएमसी ने दो दिन पहले आदेश निकाला था कि कंपनियां कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दें, बावजूद इसके कंपनियां वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रही। ऐसी कंपनियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, सुनिए बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी से। परदेशी सर, जिस तरीके से मुंबई में अब एक एक स्टेप्स उठाए गए हैं, खास करके ट्रैवलिंग को लेकर ऑफिसेस को कहा गया है कि 50% से ज्यादा कर्मचारी ना रहे, खास अब सरकारी ऑफिसेस में भी ये कहा गया है कि 50% तक ही कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन जो भीड़ अभी भी ट्रेनों में दिखाई देती है उसको लेकर और बीएसटी बसों को लेकर खास करके किस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं? अभी कम्युनिटी में, कम्युनिटी टू कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं है, मतलब स्टेज थ्री में नहीं है हम लोग, स्टेज टू या स्टेज वन में है हम लोग। तो इसी स्टेज में रुकाने के लिए पहला चीज जो हम कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को स्क्रीन करके जिनके सिम्टम्स ज्यादा हैं, जो रिस्क में हैं, उनका हम आइसोलेशन कस्तूरबा में करते हैं और उनका टेस्टिंग करते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ऐसा हो गया है कि अगर इन लोगों से किसी के कॉन्टैक्ट आए होंगे तो वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको भी आइसोलेशन या उनको क्वारंटाइन में रखते हैं और क्वारंटाइन के साथ उनका मॉनिटरिंग करते हैं कि वो बाहर घूमे ना उनके कॉन्टैक्ट्स। तीसरा स्टेप जो हम लोग ले रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोलते हैं, क्योंकि चाइना और बाकी के देशों में भी देखा गया कि इसका जो प्रसार है या इसका जो बढ़ती का दर है इसको कम करने का एकमेव मार्ग है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।